नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। कल रात को पप्पू खान के घर पर पथराव किया गया, साथ ही परिवार वालों के साथ भी मारपीट की गई। पप्पू खान ने बताया कि ईदगाह कमेटी का अध्यक्ष बनाए हैं, तब से उनके साथ कभी न कभी मारपीट की जाती है। यह मारपीट ईदगाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि जब से वे अध्यक्ष बने हैं, तब से ईदगाह पर होने वाले अवैध कार्य बंद हुए हैं, इसलिए उनके साथ कभी न कभी मारपीट की जाती है। इसकी शिकायत पप्पू खान द्वारा आज सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई। हाथे मारे पाइप मारे इधर की टाइम इशारों ने आए तो दिए ना, तो मतलब नहीं है ना। घटना के नाम जो है हमारे घर पे आते हुए लड़का अध्यक्ष बन गया, तो मार धार करते ही मुझे तक चार पांच छह चक्कर हो गए और कोई सुनवाई नहीं है। वो कल मेरे में लड़के में मार रहे थे डंडा, तो मेरे में डंडा पड़ गया, मैंने उसको पीछे करा। वो मोहल्ले वाले नहीं होते तो मेरे बच्चों को मार डालते। किस बात का विवाद है यार? उसी बात का नहीं है, बस अध्यक्ष होया इसका होया। क्या नाम है? अनीप भाई। अच्छा, जिनने करा है ये सब? जी अनीप भाई है और हमारा लड़का भी अनीप है, मतलब। अच्छा अच्छा, तो आपका लड़का अध्यक्ष बन गया? अध्यक्ष बन गया। कौन सी कमेटी के? बाबा के और ईदगाह का बन गया, दोनों जगह का। दोनों ने क्या क्या किया रात में? उनने रात में किया, हम खाना खा के आ रहे थे। मोहल्ले में क्या किया उनने? मोहल्ले में किया, पत्थर फेंके, वो डंडे मारे, लड़के में डंडे मारने को आ रहे थे, तो लेकिन मैं आगे होना तो मेरे में डंडा पड़ गया, मोहल्ले वाले नहीं आते तो मेरे बच्चों को मार डाले। रिपोर्ट करवा दी आपने? रिपोर्ट रात में करवा दी सर। मैं सीए साहब, जब से मैं ईदगाह चांद शवा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ, जब से मेरे घर पे लगातार हमले करवाए जा रहा हूँ, जो पूर्व कमेटी करा रही है। अच्छा। पूर्व कमेटी अध्यक्ष रियाजुद्दीन कुरैशी के संरक्षण में ये सारे हमले हो रहे हैं और उसका मेन जिम्मेदार है अनीप ठेकेदार। वो वर्तमान में रेगुलर मेरे घर पे हमले करवाता जा रहा है। अच्छा अच्छा। उसे मुझसे टसाने, क्योंकि उनके जो भी काम थे वो बंद हो गए और वो वहाँ पे कई इलीगल काम करते थे दरगाह पे। वहाँ पे दारू पिलाना, जुए खिलाना, इसमें का कारोबार, जो भी काम थे वो दरगाह पे चल रहे थे। अब साहब हमारी कमेटी बन गई तो पूरे काम बंद हो गए उन लोगों, इसलिए वहाँ पे हमले करा रहे हैं। रात में कितनी देर करीब बन रही है आतंक मचा रहा? आधा घंटे, आधे से पौन घंटे उन्होंने रेगुलर पथराव किया, मेरी माँ के लट मारा अनीप ठेकेदार ने। और इससे पहले भी मैं कई आवेदन दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ, सिटी कोतवाली में भी दे चुका हूँ और कई लोगों को रिपोर्ट करवा चुका हूँ। मुसलमान समुदाय में दोनों में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, तो उनका जो है उस कमेटी पर से कुछ विवाद पुराना चल रहा है, उस पर से जो आपस में जो है करेंगे, उनकी आपस में मारपीट हुई है, दोनों पक्षों पर विवाद कायम करके विवेचना में दिए गए, शांति हो। पत्थरबाजी भी हुई है पूरे मामले में? पत्थरबाजी जो हुई है उसकी भी धारा लगाई गई और सख्त कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज बिना टीपी नंबरों के चल रहे ऑटो पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जैस्तम चौराहे पर की गई। आपको बता दें कि गुना शहर में बिना टीपी नंबर के कई ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, जिसके कारण यह पता नहीं चलता कि गुना में कुल कितने ऑटो रिक्शा हैं। इसी कारण ये कार्रवाई की गई। साथ ही हनुमान चौराहे पर जो लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। निकालना मत, उसका चला कर बनवा देना, चलो 500 का। लेकिन उसको निकालना मत, तुम उसको बनवा देना, पहले उसे कर देना, धीरे धीरे काट दे।
जिन ऑटो पर टीपी नंबर नहीं है वो टीपी नंबर डलवाएं, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। और हनुमान चौराहे पर जो लाइट लगी है, लाइट का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मैडम ये आज कितने गाड़ियां अपन ने ऐसे पकड़ी और समझाई थी? आज लगभग अपन ने 10 गाड़ियां समझाई लेके छोड़ी है और 3-4 गाड़ियां लेके भी आई हैं जिनके कागज कम्प्लीट नहीं थे, और बिना टीपी नंबर की लगभग 6-8 गाड़ियां। पूर्व कैंट थाना प्रभारी की शिकायत लेकर पहुंचे रघुवंशी समाज के लोग। समाज का कहना है कि आशीष सप्रे द्वारा गवाहों को धमकाया जा रहा है, जिसके कारण गवाहों में भय व्याप्त है। आज नानाखेड़ी मंडी लूट की मजिस्ट्रेट के सामने गवाही होनी थी, जिसमें राजीव जाट कमल सिंह की गवाही होनी थी। कमल सिंह ने बताया कि आशीष सप्रे द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा है कि वह अपने बयान उसके हक में दे। इसी की शिकायत आज उन्होंने मजिस्ट्रेट से भी की। आशिक सप्रे साहब बनाजी बंटी जी की धमका दी। क्यों धमका रहे हैं आपको? ये कह रहे हैं कि हमारे माँ पा को बोलो गवाही दो, और मकान पर बुलाते हैं, फोन लगाते हैं। मैं साहब उनके पास नहीं गया, मैं वकील के पास आ गया डरे। वकील साहब ने कही वहाँ पर मत जाओ। साहब मैं डराने के मारे साहब मैं भग गया। साहब बोल मेरी संगत ही पकड़ के लाए साहब। कौन से मामले में आप गवाही में? लूट के बारे में है? लूट के बारे में, उमेश के बारे में। अच्छा, तो आप किसके तरफ से गवाही दे रहे हैं? मैं उमेश की तरफ से। अपर कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे गवाही? हाँ, अपर कलेक्टर साहब के पास आया हूँ ध्यान देने। क्या धमका रहे हैं कि गवाही मत दो? और क्या, हमें तब खराब गवाही दो। पुलिस के अधिकारी धमका रहे हैं? पुलिस के 8 लाख की लूट में नानाखेड़ी मंडी में जो मुझे पकड़ा था 17 तारीख में, क्योंकि मुकदमा काम करके जेल दे दिया था, उसमें साहब मैं निकले आऊँ। उमेश के बारे में मेरे आज बयान था। उमेश की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में आज राजू जाट कमल सिंह काछी के बयान होना थी। कमल सिंह काछी ने आज मुझे घर पे आके बताया कि टीआई सप्रे और उसके साथी लोग उसको बराबर धमका रहे हैं, और पुलिस वाले भी बार बार फोन कर रहे हैं कि आप लोग सप्रे के खिलाफ बयान मत दो। तब मैंने उसको समझाया कि तुम्हें जो भी मालूम हो, जो भी आपने देखा हो, वो आप एडीएम साहब को बताओ, और उसी की इमदाद में उसके साथ में आज एडीएम न्यायालय में आया था। कुशवा समाज के लोग पहुंचे आज कलेक्ट्रेट कार्यालय और दिया ज्ञापन। ज्ञापन कुछ दिनों पूर्व धीरज कुशवा के साथ हुई मारपीट के खिलाफ था। समाज जनों ने बताया कि रेलवे टीटी और पुलिस वालों द्वारा बेरहमी से धीरज के साथ मारपीट की गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब ये बात रेलवे के टीटी को मालूम पड़ी कि धीरज की हालत गंभीर है, तो उन्होंने भी आनन फानन में धीरज के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसी के विरोध में आज कुशवा समाज के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, साथ ही टीटी और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और बंधुओं और रेलवे के जो जवानों द्वारा जो जब धीरज कुशवाहा ने अपनी पत्नी को फोन लगाया टिकट के और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी, ये सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे पत्रकार बंधुओं के सामने भी ये वीडियो फुटेज है, और उन्होंने भी जो है अपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया है। आज कुशवाहा समाज जिला गुना मुख्यमंत्री जी को और माननीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए आया है, जिसमें निवेदन किया जा रहा है कि पूर्व पार्षद धीरज सिंह कुशवाहा गुना के साथ जो रेलवे प्रशासन में नहीं रेलवे के पुलिस के जवानों ने टीसीओ ने जो विगत दिवस पूर्व पार्षद धीरज सिंह कुशवाहा निवासी बांसखड़ी के दौर साथ में गुना के रेलवे स्टेशन पर रेलवे के टीसी और पुलिस के जवानों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। उसे इतना मारा कि अधमरा कर दिया, बेहोशी का हालत में पड़ा रहा। जब उसकी पत्नी रेल के डिब्बे में बैठी हुई थी, और जब उसने पत्नी ने फोन लगाया बहुत देर हो गई इतने कहने के लिए, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था,
तब पत्नी ने घर वालों को फ़ोन लगाया कि उसकी बहन को धीरज कुशवाहा की जो बहन है उनको फ़ोन लगाया कि तुम्हारे भैया अभी तक पानी लेकर नहीं आए, कहाँ गए। तो जब उन्होंने फ़ोन लगाया तो जब मोबाइल चालू किसी ने किया तब मालूम पड़ा कि धीरज कुशवाहा के साथ रेलवे पुलिस ने बहुत ज़्यादा मारपीट की है और वो अधमरा वो परिसर में पड़ा हुआ है। तो पूरे परिजन लेकर परिजन जो है रेलवे परिसर में पहुँचे, समाज के बंधु पहुँचे, तो बंधुओं ये बेरहमी से मारपीट की गई है। कुशवाहा समाज ना तो अन्याय अत्याचार करता है और ना ही अन्याय अत्याचार सहन करने की क्षमता है उसमें। यदि रेलवे के जो टीसी हैं संबंधित घटना के और पुलिस के जवान हैं रेलवे के, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, निलंबित की जाए और 307 की कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कुशवाहा समाज आज सांकेतिक रूप से ये ज्ञापन देने के लिए आया है और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कुशवाहा समाज गांव-गांव से मोहल्ले मोहल्लों से इकट्ठे होकर के पूरा ये जो है फिर आंदोलन करेगा। ये पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। बंधु आपको बता देना चाहता हूँ कि धीरज कुशवाहा की गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय ने ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया है और चूंकि पुलिस पूरी रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग धीरज कुशवाहा की जिला चिकित्सालय में निगरानी कर रहे थे सिविल ड्रेस में और सूचना ले रहे थे अपने अपने माध्यमों से, जब धीरज कुशवाहा के ऊपर मालूम पड़ा उनके लिए कि गंभीर हालत है और रेफर किया जा रहा है ग्वालियर, तो आनंद फानन में उन्होंने मुकदमा कायम करके 300 छोटी मोटी धारा लगा करके जो है एक जो है प्रति भिजवा दी गई। बंधुओं हमारा निवेदन यही है कि माननीय जिलाधीश महोदय हमारी आवाज़ को हम जिनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिन अधिक शिक्षा विभाग में चल रहा है शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को मिलने वाले एडमिशन के लिए सत्यापन, इसमें दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आपको बता दें शिक्षा के अधिकार के तहत नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है, इसी के लिए आज बच्चों के दस्तावेजों की जाँच की गयी। जाँच के बाद में जिस स्कूल में उनका चयन होगा वहाँ पर उन्हें प्रवेश मिल जाएगा। जिनको भी सीट आवंटित हुई है उनके विभिन्न प्रपत्रों को देख के सत्यापित करेंगे और उन्हें फिर निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश मिलेगा और उन बच्चों की 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो संबंधित स्कूलों में निःशुल्क मिलेगी। हमें 5 स्कूल मिले हैं और उनके अभिभावकगण जिन्होंने आवेदन किया था और जिनका लॉटरी में नाम खुला हुआ है प्रपत्र सत्यापन कराने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और उनके विभिन्न ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखते हम सत्यापित कर रहे हैं। चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने मकसूदनगढ़ मंदिर प्रांगण में 1,46,00,000 रुपए के सीसी कार्य का भूमि पूजन किया। मंदिर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। अतिथि शिक्षकों की हड़ताल का 4th दिन है। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन भर्ती का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन्हीं अतिथि शिक्षकों को फिर से नियुक्त किया जाए। इसी मांग को लेकर विगत 4 दिनों से अतिथि शिक्षकों की हड़ताल जारी है। आज हमारा 4th दिन है अतिथि शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन, जिससे हमारी जी ऑनलाइन भर्ती पर प्रतिक्रिया बंद की जाए और जो पुराने अतिथि हैं उन्हें ही पुनः दर्जा दिया। मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर बाइक सवार कुमारी अज्ञात वाहन ने टक्कर टक्कर में बाइक सवार एक महिला एवं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को उकावत पुलिस द्वारा मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं युवक की गंभीर हालत को देखते हुए युवक को मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र से गुना रेफर कर दिया गया है। दोनों घायल उदयपुर आके बताए जा रहे हैं। फिलहाल उकावत पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की खोज शुरू कर दी है।
अरे तुम अरे क्या अरे यार घबराओ मत यार तुम अरे घबराओ हमारी बात है घबराओ मत तुम क्या तुम मैच छोड़ पट्टी कर देंगे मकसूदनगर से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। आज पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कुंभराज के 12 गांवों का दौरा किया। भारी बारिश हुई, लक्ष्मण सिंह ग्रामीण एवं कार्यकर्ताओं के इरादों को डिगा नहीं सकी। यह दौरा सुबह 11 बजे से शुरू किया गया। भारी बारिश के बावजूद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से बिजली एवं पानी की समस्या का उल्लेख किया। ग्रामीणों का कहना था कि उनको महीने भर तक बिजली नहीं आती एवं बिल हजार रुपए का थमा दिया जाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि शिक्षकों की कमी भी स्कूल में बनी हुई है एवं सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों का भी सहयोग ठीक से नहीं मिलता। से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। डीजी आना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।